गाड़ी की सर्विसिंग करवाने का टाइम आ चुका है। 13,012 किलोमीटर में सर्विस हुई थी और अभी हो चुके हैं 16,997, मतलब 4,000 किलोमीटर ज़्यादा हो चुके हैं। तो इस बार हम लोग चेंज करने वाले हैं इसमें कैस्ट्रोल का पावर 110W40, जो कि पिछले बार डाला था वही डालने वाले हैं। तो इस बार हम लोग इंजन फ्लश भी यूज़ करने वाले हैं, देख सकते हो इसका तो इंजन फ्लश भी है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि इंजन फ्लश के साथ में इसको यूज़ करने के बाद में परफॉर्मेंस कैसी रहती है। परफॉर्मेंस में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, ये इसकी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। तो इसकी सर्विस कराते हैं, उसके बाद सब आपको दिखाते हैं प्रोसेस। तो पहले इंजन फ्लश को डाल लेते हैं, उसके बाद में उसको स्टार्ट करके छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। इंजन फ्लश को पहले जो पुराना इंजन ऑयल पहले से गाड़ी में है उसी के अंदर मिक्स कर देना है, देख सकते हो पहले इसको मिक्स कर देंगे। उसके बाद में मिक्स करने के बाद में उसको आइडल छोड़ना है। तो 70 ml का ये पैक था जो कि फ्री में मिला है कॉम्बो पैक के साथ में। इसमें इंजन शैम्पू लिखा हुआ है और ये इंजन फ्लश ही है तो इसको आप अलग से भी खरीद सकते हो। तो इसको डाल दिया है और गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ दिया है हमने 5 मिनट के लिए लगभग। उसके बाद में वो चीज़ पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगी और सारा स्लज वगैरह साथ में जमा होकर निकाल दिया जाएगा। तो ये जो ऑयल फिल्टर है ये 80 रुपये का मैंने यामाहा शोरूम से ख़रीदा है, तो ये भी हमें हर सर्विस के साथ में चेंज करना हो तो वो चेंज करेंगे। तो यहाँ पे ड्रेन कर ले रहे हैं इंजन ऑयल को, देख सकते हो गाढ़ा काला निकल रहा है, जो कि पहले काला नहीं था लेकिन इंजन फ्लश की वजह से वो वैसा ड्रेन होकर निकल रहा है। तो उसका पूरा निकलने के बाद में ऑयल फिल्टर जो है इंजन ऑयल फिल्टर वो चेंज करेंगे। तो ये चीज़ हमेशा रिकमेंडेड होती है, अगर आपकी गाड़ी में ऑयल फिल्टर लगता है कोई भी कंपनी की बाइक को अगर लगता है तो हर सर्विस में उसको चेंज करना नेसेसरी है, कंपलसरी है। काफ़ी गंदगी इसमें भी जमी हुई है ऑयल फिल्टर में, तो वो चीज़ आपके इंजन को सीज करने के लिए काफ़ी होती है। 60-70 रुपये 80 रुपये की चीज़ आपके आपको अवॉइड नहीं करनी चाहिए, हर सर्विस में उसको चेंज करना ही करना है, कोई भी हालत में उसको चेंज करना ही है। कोई भी इंजन ऑयल यूज़ करो लेकिन उसको चेंज ज़रूर करो। तो इसके बाद में अच्छे से क्लीन कर लेने के बाद में गाड़ी को इधर उधर हिला डुला के भी जो ऑयल इधर उधर अटका हुआ रहता है पुराना वाला उसको अच्छे से निकाल लिया जाएगा, ताकि जो इंजन फ्लश भी हुआ है और पुराना जो जला हुआ ऑयल है वो ना रह जाए। और जो कंपार्टमेंट है ऑयल फिल्टर वाला उसको अच्छे से क्लीन कर लेना है साफ कपड़े से, उसके बाद में उसमें ऑयल फिल्टर को फिर से लगाना है। तो ये ओरिजिनल ऑयल फिल्टर है, ऑयल फिल्टर के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, हमेशा अच्छी क्वालिटी का जो ओरिजिनल ऑयल फिल्टर आता है वही यूज़ करिए। इंजन ऑयल आप अपनी मर्जी का चेंज कर सकते हो लेकिन ऑयल फिल्टर वगैरह में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो ये स्क्रूज 3 स्क्रू से टाइट होता है ऑयल फिल्टर, सभी बाइक्स में नहीं होता है, ज़्यादातर जो परफॉर्मेंस टाइप सी बाइक होते हैं 150 cc की बाइक्स में बहुत सारे से बाइक्स में ये होता ही होता है, तो वो चेंज करना ही चाहिए। तो अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं कैस्ट्रोल 10W40 फुली सिंथेटिक, जो पावर 1 अल्टीमेट बोला जाता है इसको, वो डाल रहे हैं। तो ये ऑफर में हमको मिला था। तो सर्विसिंग कंप्लीट हो चुकी थी तो उस टाइम पे वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाई, अभी गाड़ी उतनी साफ भी नहीं है क्योंकि बरसात का मौसम इधर अभी बरसात वगैरह हो रही है। तो कैस्ट्रोल पावर 1 की बात करें तो वो काफ़ी स्मूथ है स्टॉक ऑयल से और स्पोर्टी प्रीमियम से, कंपेयर टू मोट्यूल से बराबर आप मान सकते हो, और लिक्यू मोली सबसे बेहतर होता है अगर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूज़ करना है तो, उतनी की नीड नहीं है एफ जेड को। तो कैस्ट्रोल पावर 1 576 रुपये में मिल रहा था, अभी भी मिल रहा है, देख सकते हो उसमें आपको एक इंजन फ्लश भी मिल रहा है तो वो लगभग 150-200 रुपये वर्थ करता है। तो काफ़ी अच्छा आपको डील मिल रहा है, अगर आपको लेना है अच्छा ऑयल अपने गाड़ी के लिए तो आप डेफिनेटली उसको ले सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है इस वीडियो को लाइक कर दो, इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है क्वेरी है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।